मोदी जी, आज हमको कर्म के ऊपर कोई कहानी सुनाओ। मनुष्य कर्म करता है तो क्या उसको इसी जन्म में भोगना पड़ता है, या कोई अगले पिछले जन्म का कर्म का फल भी भोगना पड़ता है? बताओ ना मोदी जी। ठीक है भाइयों, मैं तुम लोगों को कर्म के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा और ज्ञानी था। उसके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। उस राजा ने अपने नगर में एक मंदिर का निर्माण किया और उस मंदिर में राजा ने एक ब्राह्मण को नियुक्त किया। वह ब्राह्मण भी बड़ा ही सीधा साधा स्वभाव का था। वह भी ईमानदारी के साथ मंदिर में पूजा पाठ आदि कार्य करता था। इधर एक दिन राजा के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ। जब राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो गया तो राजा ने राजकुमार की शादी एक बड़ी ही सुंदर राजकुमारी के साथ कर दी। जब वह राजकुमार और राजकुमारी अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। राजकुमारी उठी और इधर उधर घूमने लगी तो राजकुमारी की नज़र दीवार पर लटक रही सोने की तलवार पर पड़ी और राजकुमारी ने उस तलवार को अपने हाथों से पकड़ा तो तलवार बिजली की तरह कड़कड़ाने लगी। तो राजकुमारी ने उस तलवार को अपने हाथों से दूर फेंक दिया, लेकिन वह तलवार राजकुमार की गर्दन पर गिर गई, जिससे कि राजकुमार का सर कट गया और राजकुमार मर गया। ये सब देखकर राजकुमारी मन ही मन बड़ी ही दुखी हुई और पछताने लगी। लेकिन वह सच्चाई किसी को बता भी नहीं सकती। अगर सच्चाई बताएगी तो उसे सजा मिलेगी। इसीलिए वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी यह आवाज़ सुनकर वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। राजा भी वहाँ पर आ गए। फिर राजा ने पूछा कि मेरे बेटे की हत्या किसने की है? तो राजकुमारी ने कहा, महाराज, राजकुमार को मारने वाला मंदिर की ओर भाग गया है, पर मैं यह नहीं जानती कि वह कौन है। फिर राजा साहब अपनी सेना लेकर उसी समय मंदिर की ओर चल दिए तो मंदिर में उन्हें वह ब्राह्मण मिला। तो राजा ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और ब्राह्मण जी से कहा कि आपने मेरे बेटे की हत्या क्यों की, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? पर ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। लेकिन राजा साहब ने ब्राह्मण की कोई बात नहीं सुनी और कहा, मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा, पर तुम्हारा ये हाथ काट देता हूँ जिस हाथ से तुमने मेरे बेटे की हत्या की है। फिर राजा ने सैनिकों से कहकर ब्राह्मण का हाथ कटवा दिया। फिर वह ब्राह्मण मंदिर को छोड़कर काशी नगरी में आ गया। वह इधर उधर घूम रहा था कि एक संत से उनकी भेंट हो गई। वह ब्राह्मण उस संत से अपने बारे में कहने लगा तो संत ने कहा, तुम मेरे घर पर आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारी समस्या सुनूंगा। फिर वह ब्राह्मण उस संत के घर गया तो घर पर संत की पत्नी मिली। ब्राह्मण ने संत की पत्नी से पूछा कि संत महाराज कब तक आएंगे? तो संत की पत्नी संत के बारे में अपशब्द कहने लगी। वह संत को भला बुरा कहती कि कुछ ही देर में वहां पर संत महाराज भी आ गए। लेकिन संत की स्त्री फिर भी संत को भला बुरा सुना रही थी, लेकिन संत महाराज चुपचाप थे। फिर संत अपने आसन पर बैठ गए और कहा, सुनाओ ब्राह्मण जी, आप क्या कह रहे थे? तो ब्राह्मण ने कहा, संत महाराज, पहले आप अपने बारे में बताइए, आपकी पत्नी आपको भला बुरा क्यों कहती है और आप चुपचाप क्यों रहते हैं? तो संत ने कहा, मैं पिछले जन्म में एक कौवा था और मेरी पत्नी एक गधी। जब गधी के पीठ पर फोड़ा हो गया था तो उसमें कीड़े पड़ गए थे, तो मैं कौवा बनकर उन कीड़ों को खा रहा था। लेकिन मेरी पत्नी जो गधी थी उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वह चुपचाप सहन कर रही थी। कीड़े खाते खाते मेरी चोंच उसकी हड्डी में घुस गई। मेरे लाख कोशिश करने पर भी मेरी चोंच नहीं निकल रही थी, तो गधी चिल्लाती हुई गंगा जी में कूद गई।
लेकिन गंगा जी में पानी तेज होने के कारण हम दोनों वहां पर डूबकर मर गए और इस जन्म में पति पत्नी बने हैं। जो दुख मैंने इसे दिया था तो यह अपशब्द कहकर मेरे को दुख देती है, पर कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। आप बताओ तुम क्या कह रहे थे? तो ब्राह्मण ने भी अपने बारे में सारी बात कह सुनाई। तो संत महाराज ने कहा, यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। जैसे मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ, वैसे तुमको भी भोगना पड़ेगा। तुम भी पिछले जन्म में एक साधु थे, तुम जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक गौ माता तुम्हारे पास से भागी जा रही थी, वह गौ माता इस जन्म में राजकुमारी बनी है। उस गौ माता के पीछे एक कसाई आ रहा था गौ माता को मारने के लिए, और जब तुमसे उस कसाई ने पूछा कि गाय किधर गई है, तो तुमने हाथ का इशारा करते हुए गाय को बताया था। इसके बाद उस कसाई ने उस गौ माता को अपने हसिये से मार डाला था। इस जन्म में वह कसाई राजकुमार बना है और गौ माता राजकुमारी, और दोनों एक रात के लिए मिले और राजकुमारी के हाथों राजकुमार का सर कट गया जो पिछले जन्म में कसाई था। इस प्रकार गौ माता का बदला पूरा हो गया। फिर ब्राह्मण बोला, मेरा हाथ किस लिए काटा गया? तो संत ने कहा, तुम साधु थे, तुमने अपने हाथ का इशारा करते हुए रास्ता बताया था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा हाथ काटा गया। मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे अगले जन्म में और इसी जन्म में भी भोगना होता है। कोई भी जीव अच्छा कर्म करता है तो वह सुख भोगता है, और कर्म खराब करता है तो वह दुख भोगता है। कर्मों का फल हर जीव को भोगना ही पड़ता है। और कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। वाह मोदी जी, क्या कर्म की कहानी सुनाई, बहुत कुछ सीखने को मिला। और भाइयों, आपको कैसी लगी मोदी जी की कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोलेनाथ सबके साथ।